भलो बरसाने को जहां पास बहे जमुना पटरानी, नित प्रतिदिन नमन करूं शरण पढूं राधा रानी। ये प्रिया जी का खेलन बने हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण में और पद्म पुराण में, गर्ग संगीता में, श्रीमद् भागवत महापुराण में इस चीज का वर्णन है। 84 कोश में 48 वन हैं, 12 वन, 12 उपवन, 12 प्रतिवन, 12 आधिवन, 12 चौको 48। 48 वन में 84 कोश को 48 वन को ही 84 कोश की संज्ञा दी गई है। अच्छा, 84 कोश कहाँ हैं? तो जहाँ राधा रानी के महल बने हैं उससे चारों दिशा में, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब से अपन शुरू करते हैं 20 कोस सीधी यहाँ से पूरब में, 4 कोस की जगह में तो श्री जी का महल है, हैं? 4 कोस की जगह में तो प्रिया जी के महल बन रहे हैं, जहाँ से श्री परसों हैं और ऊंचो गांव है, ये 4 कोस जगह है बीच में, हैं? इससे 20-20 कोस चारों तरफ, 80 कोस वो जगह है उसकी, इसी के बीच में 48 वन है प्रिया जी के, जहां प्रिया लाल जी गलबैया दिए बिहार करते हैं। जैसे एक दोहा आता है प्रमाण के लिए के कैसे बिहार करते हैं के चंद्र मिटे दिन कर मिटे, मिटे जगत विस्तार, दृढ़ श्री हरिवंश को मिटे ना नित्य बिहार। संतों ने कहा है कि हमारे प्रिया लाल जी, गीता जी में भी कहा है कि जन्म कर्म चमे दिव्यम तत्व व्यक्ति अर्जुना, तू जैसा अपने को समझ रहा है ऐसा मत समझ हमको, और जो मैं कह रहा हूं वो कर, मेरी आज्ञा को मान। ठाकुर जी कह रहे हैं अर्जुन से कि तू जैसा आप, तू है जैसा वैसे ही मत समझ हमको, कि हम भी ये भी ऐसा ही है। मेरे जन्म कर्म अत्यंत दिव्य है, कोई तत्ववादी जानता है हमको, सब नहीं जानते हैं, जो जाने सो देव जनाई जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, कौन जानता है का जो जानना चाहता है। अच्छा, उसका प्रमाण क्या है कि जानना चाह रहा है, कि उनका नाम जप करता है वो। तो ऐसे ही हम लोग अपनी सरकार के, अलबेली सरकार के पुलिस वाले मिलिट्री हैं हम लोग, हैं? और उनके बनों में सोहनी कर रहे राधे राधे रहते हैं मस्त, उनके भरोसे तो कोई से मतलब नहीं, ना किसी से डरते, निर्भय है। तो भाव क्या है कि प्रिया जी यहाँ खेलती हैं, खेलने आती हैं, चंद्र मिटे दिन कर मिटे, मिटे जगत विस्तार, चाहिए सूर्य चंद्रमा ना रहे, ये पृथ्वी ना रहे, तो प्रिया लाल जी का गोलोक धाम सदैव जैसा है वैसा ही का वैसा सदैव एक सा रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। और जैसे 84 कोस में गलबैया दिए श्री जी ठाकुर जी अपने आपस में गलबैया दिए गले में, बिहार कर रहे हैं, करते आ रहे हैं अनादिकाल से, अभी भी कर रहे हैं। कोई जिसके हृदय में भाव होता है लाखों में किसी एक को अभी भी दिखते हैं, ऐसा नहीं कि दिखते नहीं है, हैं? जैसे अनादि काल से हैं वैसे ही अब भी हैं और सदैव ऐसे ही चलता रहे। जैसे हम बूढ़े हो जाएंगे मर जाएंगे तो ये इनका ऐसा नहीं होता, इनको जरा व्याधि, ये सदैव किशोर अवस्था में, तरुण अवस्था में रहते, सदैव किशोर अवस्था में रहते, अत्यंत दिव्य, दिव्यम प्रमोद रसार निजांग संग, राधा रानी के चरणों की दिव्यता का श्लोक है राधा रस सुधानी जी का, दिव्यम प्रमोद रसार निजांग संग पीयूषम निज चैर भेष्य चंती कंदर्प कोटि सर मूर्छित नंद सोनू संजीवनी जयति कांपी निकुंज देवी। ऐसी कुंजन की, इन्हीं कुंजों का वर्णन आ गया, ऐसी कुंजन की महारानी की जय हो कि 3 लोक 14 भुवन के मालक सूर्य कोटि समा प्रभा चंद्र कोटि सो शीतला, ठाकुर जी के भीतर इतना तेज है कि करोड़ों करोड़ सूर्य का तेज है ठाकुर जी के चरणों में, करोड़ों करोड़ चंद्रमा के समान शीतलता है ठाकुर जी में। पर वही ठाकुर जी को यहाँ स्पष्ट रसकों ने लिखा कि वही ठाकुर जी जब राधा रानी के चरणों को दर्शन करते हैं
तो मूर्छित हो जाते, 3 घंटा तक बेहोश हो जाते, पड़े रहे, अपने आप को भूल जाते। ये श्लोक में बता रहा है कि मूर्छित नंद इतने दिव्य हैं, श्री जी के चरण इतने दिव्य हैं, इतने दिव्य हैं, इतने तेजोमय हैं, इतने प्रकाशमय हैं कि उस तेज को कोई सहन नहीं कर पाता। स्वयं नंद नंदन मूर्छित नंद सोनू ठाकुर जी की दशा श्री जी के चरणों में बताया गया है। श्लोक बोल रहा है कि दिव्यम इतने दिव्य है श्री जी के चरण कि मूर्छित नंद सोनू स्वयं नंदलाल गोपाल त्रिलोकपति नारायण कृष्ण कन्हैया जब चरणों के दर्शन करते हैं तो दर्शन करते 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 और वही मूर्छित होके बेहोश होके पड़ जाते, उनके अपना शरीर का होश भूल जाते। सखी आके फिर जगाती कि प्यारे आपकी ये दशा कैसे भाई, तो उनने बताया कि ये दशा हमारे श्री जी के दर्शन करने से भाई, तो दिव्यम प्रमोद नसार रससार, जितना संसार में रस है उसका सब सार है, राधा नाम परम सुखदाई, केवल श्री जी का नाम ही परम सुखदाई है और कहीं सुख नहीं है। तो प्रिया जी यहाँ खेलती हैं, यही भाव से हम रहते हैं और यहाँ हमको अनुभव भी होते हैं ऐसे श्री जी के, और मन लगा रहता है, और जब इन लताओं से स्पर्श करते हैं, ये छूते हैं, तो भी बड़ा आनंद शरीर में शक्ति का संचार जैसा होता है, हमको अनुभव करते हैं। आप भी करके देखो कि इन लताओं से जब हम शरीर से छूते हैं, चाहे पेड़ से छुओ, चाहे पत्ता से छुओ, कहीं छुओ, तो ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कोई शक्ति का संचार हुआ है। किस चीज का पेड़ है ये? मोतियों के पेड़ है। मोती बन है। हाँ, अच्छा, ये एक भेद और सुनो थोड़ा सा कि जो उपवन का भेद है, जैसे 48 वन बताया हमने, तो 48 वन में जो उपवन का भेद है वो कैसा है? उपवन का जहां एक बीज का पेड़ होगा जिस जगह पे, जैसे इस जगह पे है, वो समझ जाओ उसकी पहचान है ये, एक बीज का पेड़। अरु मैं पागल, मेरा मन पागल, राधा तेरे चरणों के लिए मुझे शरण तो लीजिए, श्यामा किशोरी कृपा कीजिए।